अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको भुनी हुई चिकन बनाना सिखाएंगे। इनके लिए हमें ये 1 पाउंड चिकन चाहिए और तेल चाहिए 4 बड़े चम्मच और 2 अदद प्याज चाहिए, 4 से 5 टमाटर और 4 टेबलस्पून योगर्ट, हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च साबर 3 अदद और 4 अदद इलायची, छोटी इलायची, फिर सिनेमन 2 स्टिक, तेज पत्ता 3 अदद, 10 से 15 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 या 5 लौंग, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, धनिया जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हमें चिकन बनाने के लिए, भुनी हुई चिकन बनाने के लिए चाहिए। अब हमारा पैन गरम है, इसमें तेल डाला और ये साबुत मसाला सारा डाला। इसमें अब प्याज डाल दें। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है और धीरे धीरे चमचा आप हिलाते रहें ताकि ये साथ ना चिपके। अभी देखें थोड़ी प्याज की शक्ल बन रही है। इसके बाद हमें जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज, अभी आप वेट करें, ये देखें। अब इसमें लहसुन अदरक डाल दें, इसको हिलाते रहें 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक की खुशबू आ जाए। जब आपको लगे कि खुशबू आ रही है तब आप इसमें चिकन डाल दें। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन डालने के बाद हमने इसको हिलाना है अच्छे से, चिकन में सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। अब हमने इसको हल्का हल्का हिलाते रहना है सारी साइडों से ताकि चिकन जो है वो ब्राउन हो जाए। अच्छे से चिकन को भूनना है क्योंकि इस डिश का नाम ही भुनी हुई चिकन है। फिर अब जब चिकन भून जाए तो इसमें नमक, लाल मिर्च और धनिया जीरा डालकर फिर हमने इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट तक आप इसको भूनें। फिर देखिए ये चिकन की जो शक्ल है सालन जैसी बन गई है। आपको लगे कि मसाला भुन गया है तो फिर हमने इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर डालने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए हिला के, इसको हिलाना है थोड़ी देर, तो फिर हमने इसको ढांप देना है ताकि ये चिकन जो है आपकी अच्छे से गल जाए। 20 मिनट से लेकर हाफ आवर तक इसका ढकना जो है आप लगा दें। अभी देखें कि हमारी चिकन गल गई है तो अब हमने इसमें योगर्ट डाल दिया। योगर्ट डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिलाएं, मिक्स करते रहें 4 से 5 मिनट तक। उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी देखिए ये पकने लगा है, इसमें उबाल आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बस इसको हिलाते रहना है ताकि योगर्ट जो है अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाए। ये देखिए तेल जो है चिकन से अलग-अलग हो गया। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालकर फिर इसको 2 मिनट के लिए हलाना है। 2 मिनट पकाने के बाद देखिए तेल जो है अलग-अलग हो गया चिकन से। अच्छे से चिकन हमारी भून गई तो इसका मतलब है कि हमारा सालन जो है वो रेडी है। अब हम आपको खा के बताते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप भी बनाइए और खाइए। खुदा हाफिज़।